चेक करने वाले हैं डायोड HER205 को, तो हमने उसकी डाटा सीट ओपन कर ली है। तो ये 2 एम्पीयर का जो डायोड होता है रेक्टिफायर डायोड है, ये इस पर वोल्टेज ड्रॉप जो होता है बहुत कम होता है। तो 201 से लेकर के 208 तक की इसकी सीरीज होती है, अलग अलग डायोड्स होते हैं ये। 50 वोल्ट से लेकर के 100 वोल्ट के बीच में इनका रेटिंग रहता है और सारे ही 2 एम्पीयर के होते हैं। ये उनके कुछ फीचर्स हैं। तो जैसे हमारा पीक वोल्टेज जो रहता है वो ऊपर दिया हुआ है VRRMS, जैसे 201 रहेगा तो उसकी जो रेटिंग है वो 50 से लेकर के 35 वोल्ट तक रहेगी, और जो 205 है वो 400 से लेकर के 280 के बीच में रेटिंग रहेगी। इसी तरह से अगर HER208 है तो उसकी रेटिंग 1000 से लेकर के 700 वोल्ट तक होगी। जब भी हम इसको सोल्डर करते हैं तो हमें इसका जो टेम्परेचर है उसकी रेंज को ध्यान में रखना चाहिए। अगर इसके मिड पे जो जंक्शन होता है उसका जो करंट है वो करंट फ्लो ज़्यादा हो जाता है और उसका टेम्परेचर -65 से लेकर के 150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है तो वो ख़राब नहीं होता है, इससे ऊपर जाएगा तो वो जंक्शन टूट जाएगा। और इस पर जो रिवर्स रिकवरी वोल्टेज जो रहता है वो 4 वोल्ट डीसी तक हो सकता है अगर ये 1 MHz फ्रिक्वेंसी चल रही है तब, और जो लीकेज वोल्टेज होता है वो 0.25 एम्पियर के आसपास हो जाता है। चलिए सीखते हैं इसको कैसे टेस्ट करना है मल्टीमीटर की हेल्प से, और इसकी रीडिंग क्या आनी चाहिए। सबसे पहले हम डायोड रेंज या कंटिन्यूटी मोड पर सेट करेंगे मल्टीमीटर को, और जैसा कि आपको दिखा पा रहे हैं हमारे पास ये वो डायोड है जिसे हमें चेक करना है। तो आप देख पा रहे होंगे HER205 ये डायोड है, तो इस पे एक साइड रीडिंग आनी चाहिए और एक साइड रीडिंग नहीं आनी चाहिए। कैसे, और रीडिंग कितनी आनी चाहिए, इसकी जो रीडिंग है वो 455 से लेकर के 455 कहो या 460 कहो, 460 से लेकर के 450 के बीच में अगर इसकी रीडिंग आती है तो हम इसे समझते हैं कि ये हमारा सही है, तो कोई रीडिंग नहीं है। चेंज करेंगे इस तरह से तो इस पे रीडिंग हमको मिलनी स्टार्ट हो गई है, 453 की रीडिंग मिल रही है, मतलब कि जो हमारा डायोड है ये गुड कंडीशन में है, अभी सही है। और अगर हमारा जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है तो हम ये कहते हैं कि हमारा जो डायोड है वो ओवरहीटेड हो चुका है, और अगर वोल्टेज उसका गिर जाता है अगर उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो हम ये कहते हैं कि ये जो हमारा डायोड है वो वीक है, चेंज करना है हमें। इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं, और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। अगर आपने हमें सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं तो इनको सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज को लाइक किया करें ताकि हमारा मोटिवेशन लगातार बना रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।